डिजिटल वेलबिंग फीचर के बारे में ये वीडियो है। और डिजिटल वेलबिंग फीचर एंड्रॉयड पाई 9.0 का इनबिल्ट फीचर होता है, सेटिंग्स में ही इंक्लूड होता है और प्ले स्टोर में भी दिखता है अगर ये सपोर्टेड है तो। लेकिन हम जेनफोन मैक्स प्रो M2 के बीटा यूज़र हैं और ये जो है अभी तक ये सपोर्टेड नहीं है। तो इसे देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद डिजिटल वेलबिंग फीचर आप यूज़ कर पाओगे। साथ ही में जो स्टेबल यूज़र हैं 8.10 ओरियो में है, वो भी एक बार ट्राई करके मुझे बताएं कमेंट में कि काम कर रहा है कि नहीं। और जेनफोन मैक्स प्रो M1 के बीटा एंड स्टेबल यूज़र भी इसे यूज़ कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके ज़रूर बताना। और डिजिटल वेलबिंग फीचर ये गूगल की तरफ से है, ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहाँ पर जो है इम्प्रूव करने का एक तरीका है। पूरा दिन हम स्मार्टफोन में बिताते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट है स्मार्टफोन, और कौन सा ऐप पूरे दिन में कितनी देर तक यूज़ किया है आपने, वो डिजिटल वेलबिंग फीचर आपको बताता है। ऑब्वियसली अगर कट ऑफ कर पाए, थोड़ा टाइम पबजी कम खेल पाए, तो थोड़ा टाइम जो है यूट्यूब कम देख पाए या कुछ भी कर पाए, तो इसी का एक जो है प्रयास है। साथ ही में जो नाइट लाइट का फीचर है, शेड्यूल DND का फीचर है, वो भी इसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो जो APK है डिजिटल वेलबिंग का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। और उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना पहले, लेकिन उसे इंस्टॉल करने के बाद भी जो है वो डायरेक्ट आपके ऐप ड्रॉअर में नहीं दिखाएगा। उसको दिखाने के लिए प्ले स्टोर से शॉर्टकट क्रिएटर, ये जो ऐप मैंने अभी आपको दिखाया, वो आपको डाउनलोड करना है। मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। फिर 3 बार ऑप्शन में जाइए, एप्लीकेशन में जाइए। एप्लीकेशन जाने के बाद आपके फ़ोन में जितने एप्लीकेशन है वो इस ऐप में दिखाएगा। फिर भी डिजिटल वेलबिंग का फीचर अगर नहीं मिला तो सर्च कर लेना डिजिटल वेलबिंग। उससे पहले आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है ऑब्वियसली डिजिटल वेलबिंग। और उसके करने के बाद यहाँ पर स्मार्ट शॉर्टकट ये वाली ऑप्शन आपको ऑन कर लेनी है। फिर ऐप एक्टिविटी में जाके नीचे की ओर यहाँ पर होम डॉट का ये जो सेटिंग है, ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। तो होम यहाँ पर एक ही ऑप्शन है होम वाला, होम में जाके आपको यहाँ पर प्ले बटन में जो है ट्राई करें, ट्राई का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड में यहाँ पर यूज़र एक्सेस का जो है यहाँ पर सेटिंग्स का परमिशन आपको देना है। तो ये वाली परमिशन दे दीजिए और उसके बाद जो है आसानी से डिजिटल वेलबिंग फीचर यूज़ कर पाएंगे। बैक करके आ जाइए, सेटिंग्स का पेज अगर इस तरह से ओपन होता है तो फिर से आप जो है रिसेंट मेनू में जाके बैक करके आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कितना कौन सा ऐप यहाँ पर कितनी देर तक यूज़ किया है, ये पूरी जो जानकारी यहाँ पर मिलती है। साथ ही में विंड डाउन का एक फीचर है, और उससे पहले यहाँ पर जो आइकन शो आइकन इन द ऐप लिस्ट, ये वाली ऑप्शन को ऑन करके ऑफ कर लीजिए 2 बार, तभी जो है काम करती है। 2 बार जो है ऑन करके ऑफ करेंगे तो ये जो शॉर्टकट है क्रिएट हो जाएगा आपके ऐप ड्रायर में। फिर विंड डाउन फीचर आप देखोगे कि यहाँ पर जो नाइट लाइट का फीचर है, हालांकि नाइट लाइट का फीचर अभी जो बीटा यूज़र्स हैं, मैं खुद हूँ, नाइट लाइट का फीचर काम नहीं करता है। और यहाँ पर जो है DND शेड्यूल DND का और नाइट लाइट का फीचर विंड डाउन का ही विंड डाउन में जो है यहाँ पर इंक्लूडेड है, लेकिन ऑब्वियसली काम नहीं कर रही है। इसे ऑन करता भी हूँ तो काम नहीं करता है, यहाँ पर बैक आने से ऑफ ही दिखाता है। तो अगर ये 8.1 स्टेबल यूज़र्स का यहाँ पर जो है ये ट्रिक काम कर जाती है उनके फ़ोन में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि विंड डाउन फीचर भी काम कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लो फिर से ये शॉर्टकट जो है यहाँ पर स्मार्ट शॉर्टकट, और उसके बाद ऐप एक्टिविटी, यहाँ पर होम में जाना है। होम में जाने के बाद यहाँ पर डैशबोर्ड में ये वाली सेटिंग्स का जो एक्सेस देना है, और उसके बाद बैक करके आ जाओगे तो ये काम करेगी ऑब्वियसली। और जो मैक्स प्रो M1 के यूज़र्स हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी एक बार ट्राई ज़रूर करें, बीटा यूज़र्स भी और 8.1 ओरियो के यूज़र भी। हालांकि 8.1 ओरियो में शायद काम ना करे, लेकिन फिर भी अगर काम कर जाए तो ज़रूर बताना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।